हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद सरल क्लासेस में। आज हम यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट से संबंधित थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो आयु में छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका थी वो खारिज कर दी है। और अभी जो है हाई कोर्ट में डबल बेंच की अभी सुनवाई होनी है, जो कि 25 तारीख को बताया जा रहा है कि डबल बेंच की सुनवाई होगी। और आपका एग्ज़ाम डेट जो है यूपीएसआई का, जैसा कि कुछ लोग खबर आ रही है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम जो हैं वो 19 नवंबर से स्टार्ट हैं, और जो आपके 15 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, यानी कि एक मंथ आपका एग्ज़ाम चलेगा। और अभी जो है कोर्ट का भी, अभी डबल बेंच जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक उसका कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक आपकी जो यूपीएसआई की जो फाइनल डेट है वो भी डिक्लियर नहीं होगी, क्योंकि अभी ये कोर्ट में फंसा हुआ है। और जब तक इसका फाइनल नहीं हो जाता, मान लीजिए डबल बेंच कल 25 तारीख को बताया जा रहा है, अगर 25 तारीख को इसका फाइनल या मान लीजिए छूट दे दी जाएगी या हो सकता है खारिज कर दी जाए, तो आपका एक चांस और बचता है कि बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जो आपकी पिटीशन है उसका रिव्यू लेंगे, लेकिन उसमें चांस बहुत कम रहते हैं कि आपके फेवर में आपका केस चला जाए। और इसमें लगभग ये मान लीजिए कि आपका अक्टूबर महीने जो है कोर्ट केस के ही चक्कर में आपका निकल जाएगा। नवंबर में ये समझ लीजिए, हो सकता है नवंबर में आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी से पहले किसी भी हालत में नहीं होगा। नवंबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी जाए और दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आपका मान लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है या दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।